पहला प्रश्न देखिए हमारा कि चूप नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, कौन बताएगा? हाथ, दांत, अंगुली या फिर नाक में? साथ साथ में आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहिए, 50 में से जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उनका आंसर लास्ट में कमेंट में लिखना है, ठीक है? तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए स्कोर लिखने का, ताकि मैं भी रोजाना आपके लिए 50 लेसन लेके आ सकता हूँ। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी, दांत में पहना जाता है, ठीक है? तो सुनील चोपड़ा का बिल्कुल सही है, स्टडी विद गोयल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए कि दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, अंगुली, आंख, कान या नाक? तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि आभूषण को लेकर ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे उतना ही फायदा है। तो दो का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंगुली में पहना जाता है, वेरी गुड। एक का एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए कि मेमद नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है, मेमद नामक आभूषण? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या फिर पैरों में? कौन बताएगा इसका सही उत्तर? तीन नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दीजिए। रजत वैसे बिल्कुल सही बताया, मीनाक्षी, मोहित, सुनील, रीना बिल्कुल सही है, सिर पर पहना जाता है, तो ए हो जाएगा सही उत्तर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर चार देखिए कि तिमणिया नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चार का सही उत्तर बताइए, सिर पर, हाथ पैर, गले में या फिर भुजाओं पर, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइए कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं। चार का सही उत्तर बता दीजिए, बहुत सारे लोग सारे बिल्कुल सही बता रहे हैं, चार का गले में पहना जाता है, सी सही उत्तर हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, महिलाओं के गहने का सिर से पैर तक सही क्रम, इसका बताना है, यानी सिर से शुरू होना और पैर तक जो गहने हैं क्रम वाइज बताने हैं आपको, ठीक है? तो ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, ज्यादा ऑप्शन है इसमें। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पांच नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर से लेके पैर तक के गहने क्रम वाइज बताने हैं आपको। ओम चोयल बिल्कुल सही है, मनीष व्यास बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बोर, फिर टीडी, फिर बलको, बिंदिया, फिर नथ, फिर चूंप, फिर गलपेटियो, फिर कड़ला, कड़ला सबसे लास्ट आता है पैरों में। ओके क्वेश्चन नंबर छह देखिए, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, राजपूतों की, गुर्जर क्षत्रियों की, आदिवासियों की या फिर जाट स्त्रियों की? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। ताराबाद की ओढ़नी है वो किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? छह का सही उत्तर मनीष व्यास ने सबसे पहले बताया, सी बिल्कुल सी, आदिवासी स्त्रियों का। सात नंबर देखिए कि बख्तरी वस्त्र जो है वह क्या है, बख्तरी वस्त्र क्या होता है? सात का सही उत्तर बता दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बख्तरी वस्त्र जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के जो ऊपरी भाग को पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको बख्तरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो नाम थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आठ, उदय साई, अमर साई और विजय साई, शाहजहानी, ये सब क्या है? कैथून की साड़ी बनाने की विधियां हैं, पलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं, महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नौलखा हार की किस्में हैं या फिर राजस्थान पगड़ियों की शैलियां हैं? तो उदय साई, अमर साई, विजय साई और शाहजहानी, ये सारी चीजें क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठ नंबर का सही उत्तर रमेश गिरी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मन्नू बन्ना बिल्कुल सही है, राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां हैं, तो आठ का डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ, राज्य की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, 1798, 1978, 1990, 1957 में? राज्य की पहली औद्योगिक नीति है वो कब घोषित की गई थी? नौ नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दीजिए, नौ का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, नौ का हो जाएगा, 1978 में पहली बार घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर दस, राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां पर स्थित है, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां धौलपुर में, कोटा में, जयपुर में, अलवर में? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? दस नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, राज्य में मध्यम और वृद्ध औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक कहां पे है,
यानी मध्यम आकार की यानी बीच के आकार की जो औद्योगिक इकाइयां होती है और बड़ी औद्योगिक इकाइयां होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? धौलपुर, कोटा, जयपुर या फिर अलवर में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अलवर में स्थित है। वेरी गुड रोहित पूनिया, सुनीता डुकिया, मनीष व्यास, मीनाक्षी यादव, रमेश गिरी सबसे बता रहे हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों को क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज नहीं होना। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहाँ पे है, एक क्वेश्चन ये है कि मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक कहाँ पे है, तो उसमें जयपुर था, इसमें अलवर आंसर है। तो दोनों के लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ स्थापित की गई थी? राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना फलोदी, अमर सागर, देवगढ़ या फिर मथानिया में? 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, सबसे पहली पवन ऊर्जा है वो अमर सागर में थी, और अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर में। तो बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, सीज सीज यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन जो है वो किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? 13 का सही उत्तर बता दीजिए। सीज जोन जो है वो किस क्षेत्र में सीज की फुल फॉर्म होती है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोहित पूनिया ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड, अजमेर में स्थित है, तो 13 का हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देश की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? पहली सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? फलोदी में है, अमर सागर में है, देवगढ़ में है या फिर मथानिया में है? 14 का सही उत्तर, वेरी गुड, मथानिया में है, और मथानिया कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गैस का पहला तेल कुआं, ये गैस नहीं है ये क्वेश्चन है, राज्य का पहला तेल कुआं है ये कौन सा है? राज्य का पहला तेल कुआं कौन सा है? फलोदी, तनोट, देवगढ़ या फिर मथानिया? 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तनोट में है, वेरी गुड। तनोट जो कहाँ है? जैसलमेर में है। तो इसको ध्यान देना है, तेल का पहला कुआं पूछा है, गैस थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है तो इसको इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि लिग्नाइट आधारित प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा है? लिग्नाइट आधारित प्रथम विद्युत ग्रह गिरलगांव में, तनोट में, देवगढ़ में या फिर मथानिया में? 16 का सही उत्तर, सबसे पहले कौन आंसर करेगा इसका? मनीष व्यास ने सबसे पहले किया है, ए बिल्कुल सही है, गिरलगांव में है जो कि बाड़मेर में है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के प्रथम सौर विद्युत ग्रह गांव कौन सा है? ठीक है, अब की बार गांव बताना है, पहली बार तो पहली योजना पूछी थी, अब की बार ये बताना है कि राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत ग्रह गांव कौन सा है? गिरल गांव, नया गांव, भीमपुरा, जवाई गांव, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 17 का सही उत्तर, परमीश मौर्या ने बताया सबसे पहले, बिल्कुल सही है, नया गांव होगा जो कि जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रामगढ़ गैस तापीय विद्युत ऊर्जा ग्रह किस जिले में स्थित है? ये तो बहुत आसान है, सभी बता सकते हो, रामगढ़ गैस तापीय विद्युत ऊर्जा ग्रह अलवर, सीकर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर में? तो बताइए 18 का राइट आंसर, सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है? सबसे पहले सही बताया बंसीधर मीना ने, डी इसका सही आंसर होगा, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? 1985, 1995, 1980, 1990 में? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर, सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है? राइट आंसर सुनील चोपड़ा का, सबसे पहले राइट आंसर है, 1985 के दौरान हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, राज्य का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो किस जिले में स्थित है? गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर में? तो 20 का सही उत्तर बता दीजिए, सबसे पहले किसका आने वाला है? गणेश सैनी ने, वेरी गुड, बाड़मेर में स्थित है, 20 का बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह स्थापित है कोटा में है, उदयपुर, राउतबाटा, बीकानेर में? 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर, किसका सही आंसर आने वाला है सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन का? मनीष व्यास, बंसी, सुनील, गणेश, परमेश, वेरी गुड, राउतबाटा में है, सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अणुशक्ति चालक विद्युत ग्रह कहां पे स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, राउतबाटा में या फिर बीकानेर में?
अणुशक्ति चालक विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित है? 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आने 22 का सही उत्तर सुनील डुकिया, श्री बंसी गणेश, ओम चोयल, सुनील चोपड़ा, मीनाक्षी, मनीष, ब्रजेश, वेरी गुड, राउत बाटा में स्थित है, तो इसका भी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य में सर्वप्रथम गैस का भंडार कहां पे मिला था? सबसे पहले गैस का भंडार कहां पे मिला था? माई मैराव, सादेवाला में, गोटारू में या फिर कमली ताल में? 23 का सही उत्तर कहां मिला था? राइट आंसर बिल्कुल सही है, गुलाल अग्रवाल, परमिश मौर्या, गोटारू में मिला था, सी सी उत्तर जगह। चलिए ये 23 एक बार और आ गया, 23 दो बार हो गया, एक क्वेश्चन हमारा बढ़ गया, 85 आज क्या हो जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना है उसका संबंध किससे है? कुटीर ज्योति योजना का नेत्रदान से, घरेलू विद्युत कनेक्शन से, रक्तदान से या फिर सौर ऊर्जा से? 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? सबसे पहले ताहिर खान का आया है, वेरी गुड, घरेलू विद्युत कनेक्शन से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर है कि राज्य का सबसे लंबा और बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, ऊंचाई का नहीं पूछा है, एक तो ऊंचाई को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ऊंचाई का जो आंसर जो होता है वो दूसरा बांध का होता है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यहाँ पे पूछा है सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर, माही बाजार सागर, कोटा बैराज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 24 का सही उत्तर महावीर सिंह ने सबसे पहले बताया, बी माही बाजार सागर बांध। 25 देखिए कि माही बाजार सागर परियोजना है वो किन किन जिलों में है? राजस्थान पंजाब, राजस्थान हरियाणा, राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश में। 25 का सही उत्तर, 25 का सही उत्तर सबसे पहले किसका आएगा? ताहिर खान का है सबसे पहले, बिल्कुल सही है, सुनील प्रजापत सही है, रमेश गिरी, वेरी गुड, सी हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि व्यास परियोजना है वो किन किन राज्यों की है? व्यास परियोजना किन किन राज्यों की है? 26 का सही उत्तर बता दीजिए, राजस्थान पंजाब हरियाणा, राजस्थान हरियाणा गुजरात, राजस्थान गुजरात एमपी या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश या फिर यूपी में? तो बंसीधर मीणा, मनीष व्यास, ताहिर खान, धर्मेश, रमेश, सीताराम, ब्रजेश, वेरी गुड, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य की आधुनिक विकास तीर्थ भी कहा जाता है, यानी राज्य का आधुनिक तीर्थ विकास किसको कहा जाता है? आधुनिक विकास तीर्थ है वो किसको कहा जाता है? ये परियोजनाओं के नाम है, थर्मल पावर स्टेशन है उनके नाम है, तो 27 का सही उत्तर बता दीजिए। ओम चोयल का सबसे पहले है, परमीश का भी सही है, वेरी गुड, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है सो की गंगानगर में है। ठीक है, सूरतगढ़ में यह है, आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है, इसको उपनाम है। ये भी 27 दो बार आ गए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है कि मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी? मार्च 2017 तक सड़कों की लंबाई कितनी थी? ये 27 दो बार आ गए, यानी क्वेश्चन आज हमारे 52 हो जाएंगे, दो क्वेश्चन रिपीट हो सके, तो 27 का सही उत्तर बता दीजिए। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2,26,853.86 किलोमीटर है ये मार्च 2017 तक है सड़कों की लंबाई राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सरकारी क्षेत्र में पहले मदर्स मिल्क बैंक की स्थापना कहां पर की गई थी? सरकारी क्षेत्र में पहले मदर्स मिल्क बैंक की स्थापना जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर अजमेर में? 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए, वेरी गुड, जयपुर में की गई थी, ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि राज्य में मदरसों के आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास हेतु बजट 2017-18 में कौन सी योजना है वो प्रस्तावित की गई थी? क्वेश्चन देख लीजिए भाई फिर से, फिर ऑप्शन बता दीजिए। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, मदरसा जन सहभागिता योजना, बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में मार्च 2017 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी थी? पहला क्वेश्चन था वो तो था सड़कों की लंबाई, और अब की बार पूछ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनकी लंबाई कितनी है वो बताना है। चार ऑप्शन है, 30 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए, सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है?
किसी का भी राइट आंसर नहीं है अभी तक। कौन बताएगा राइट आंसर? सबसे पहले तुक्का लगा रहे हो इस बार तो आप सारे, बी 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 सारे तुक्का लगा रहे हो। नहीं नहीं इसका राइट आंसर तो होने वाला है इसका, वो हो जाएगा 8202.2 किलोमीटर। ये मार्च 2017 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, वो डी आंसर सी होगा इसका। सीताराम डूडी ने भी हाल ही में बताया राइट आंसर। ठीक है, ये तो अंधेरे में वो तुक्का लगाने वाली बात हो गई है ना। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए है उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, यानी विधवा का दोबारा से विवाह किया जाता है तो सरकार है वो कितने रुपए की राशि है सहायता के रूप में देती है? 30,000, 10,000, 50,000 या फिर 20,000 रुपए? कुशाल हरितवाल ने राइट आंसर दिया है 30,000 रुपए सबसे पहले, तो ए हो जाएगा सही उत्तर 31 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में रेलवे की शुरुआत 20 अप्रैल 1880, 18 अप्रैल 1878, 30 मार्च 1897, 18 अप्रैल 1850 को। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। 32 का सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले सही उत्तर किसका आने वाला है? थोड़ा आंसर स्पीड से दिया करो ताकि क्वेश्चन में आंसर पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या मतलब, मनीष व्यास का सही आया है, बंसी का सही आया है, बी वेरी सीताराम का, वेरी गुड, 18 अप्रैल 1874 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। प्लेस ऑफ व्हील का उद्घाटन कब किया गया था? ठीक है, ये सफारी, ये गाड़ी थी, रेलगाड़ी थी जो पर्यटक जो आते हैं उनको घुमाने के लिए, प्लेस ऑफ व्हील, इसका उद्घाटन कब हुआ था ये बता दीजिए। 33 नंबर का सही उत्तर, वेरी गुड, 26 जनवरी 1982 को राइट आंसर। 34 नंबर देखिए कि अजमेर में रेलवे का कारखाना कब खोला गया था? अजमेर में रेलवे का कारखाना अगस्त 1879, फरवरी 1880, मार्च 182, फरवरी 1815 में। 34 का सही उत्तर बता दीजिए। सबसे पहले किसका आने वाला है राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, अगस्त 1879 में सबसे पहले खोला गया, तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है? मुर्कियां जो आभूषण होता है वो कहां पे, गले में, नाक में, कान में या फिर हाथ में? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बता दीजिए। सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है 35 का? 35 का सही आंसर किसका आएगा? ज्योति चौधरी, रामनिवास, परमीश, बंसी, ओमचोर, सुनीता, सीताराम, दीपक, वेरी गुड, सबका सही है, कान में पहनी जाती है, सी आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। तगड़ी कहां पे पहनी जाती है? तगड़ी जो आभूषण होता है, गले में, हाथ में, कमर पर या फिर पैर में? ये तो सभी को आ रहा है, सारे आंसर सी करेंगे, सभी आने, तो वेरी गुड, सी, कमर पे पहनी जाती है, सबने पहन भी रखी होगी। चलिए ये तो हो गई मजाक की बात, को सीरियस मत ले लेना, हमारे यहाँ मकसद क्वेश्चन करना है, अन्य बातें नहीं। ठीक है, महिलाओं की ओढ़नी यानी पोमचा का रंग कैसा होता है? जो ओढ़नी होती है, जो पोमचा होता है, उसका रंग कैसा होता है? लाल, हरा, पीला या फिर केसरिया? ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। रोहित पूनिया का सबसे पहले है, सुनीत सैनी का सबसे पहले, बिल्कुल सी है, पीला होता है, सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या होता है? राजस्थानी संस्कृति में खपटा किसको कहा जाता है? राजस्थानी लोक देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियों को, शहरिया पुरुषों के सापे को, मेहंदी से बड़ा हथेली का चिन्ह होता है उसको, या फिर मिट्टी का एक बर्तन होता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए, खपटा किसको कहा जाता है? सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है? हरिओम मगवाना का आया है, बिल्कुल सही है, कुशाल का भी। कुशाल जी अब तो तुक्का लगाना, तुक्का मत लगाइए, क्या हो जाएगा, खपटा किसको कहा जाता है? चलिए कोई बात नहीं, 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बी, शहरिया पुरुषों का सापा। ठीक है, ओके 39। एक चीज और, आप इस चीज को लेकर थोड़ा सा नर्वस या सीरियस मत होना अगर मैं किसी को बता रहा हूँ क्वेश्चन गलत आ रहा है, क्योंकि हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सब चीजें सही होने लग जाएगी। मेरा यहाँ आंसर बताने का मतलब ये होता है कि आप लोगों का थोड़ा उत्साह बना रहे, जल्दी, मतलब जैसे मैं नाम बोलता हूँ तो आपको थोड़ा आंसर देने की आप स्पीड बढ़ाओगे। ठीक है, और स्पीड बना रहे का मतलब ये है कि कम समय में आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करोगे तो आपकी टाइम बचेगा और स्पीड बढ़ेगी। मेरा यह नाम बोलने का मकसद इतना सही है ताकि थोड़ा अगर किसी भी तरीके से अगर आपका फायदा हो तो अच्छी बात है। तो वल्या अब उसने कहां पहना जाता है? 39 का सही उत्तर, वेरी गुड है, हाथ में पहना जाता है। 40 देखिए,
कि राजस्थान में बंगड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? बंगड़ी आभूषण सिर पे, हाथ पर, गले पे या पैर में? 40 का सबसे पहले आंसर कौन देगा? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनिवास बिल्कुल सही आ रहा है। 40 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, हाथ पे पहना जाता है। सुनील चोपड़ा जी ने राइट बताया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भटारक, ये उपाधियां हैं वो किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज प्रथम ने, विग्रहराज तृतीय ने या फिर अर्णोराज ने? तो महाराजा धीराज की, परमेश्वर की और परम भटारक की, ये उपाधियां किसने धारण की थी? 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। कौन बताएगा सही आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सारे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप सब लोग सही बोल रहे हो, लेकिन एक चीज थोड़ा सा नोट करना है, सबके ए ए आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ सुन लेना आप लोग, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो लोग ए बता रहे हैं वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि अर्णोराज की और विग्रहराज चतुर्थ की, इन दोनों की जो उपाधियां थी वो राजा धीराज, परमेश्वर और परम भटारक थी। ठीक है, सबकी थी, लेकिन यह एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, उसमें चेंज क्या था देखिए, जिस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है, ये तो उपाधि थी अर्णोराज की, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया उन्होंने, परम भटारक, महाधीराज, परमेश्वर, तो ये हो गई थी इनकी। ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका ए हो जाएगा सी, तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों की सेम ही है, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, फिर भी अगर समझ में नहीं है तो कॉमेंट कर देना, मैं वहां डिटेल से आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख के अनुसार मालवा पर आक्रमण के कारण, ये अर्णोराज है, सॉरी ये कारण नहीं है, ये अर्णोराज है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, यानी किस अभिलेख के अनुसार मालवा पर आक्रमण कर अर्णोराज ने परमार वंश नरवर्मा को पराजित किया था, ये जानकारी है वो किस अभिलेख में मिलती है? बिजोलिया लेख, जूनागढ़ लेख, राजप्रस्थी या फिर नागौर अभिलेख में? ठीक है, तो किस अभिलेख से हमें जानकारी मिली है कि अर्णोराज ने है परमार वंश नरवर्मा को पराजित किया था? 42 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। सबसे पहले कौन बताएगा? रमेश गिरी का सही है, बिजोलिया लेख से हमें जानकारी मिलती है, ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि किस शासक ने अपनी पत्नी के नाम पर अजय मेरु दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ रख दिया था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम या फिर अजयराज चौहान ने? तो अजय मेरु दुर्ग जो था उसका नाम बदलकर तारागढ़ नाम किसने रखा था? 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सबसे पहले कौन बताएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले सुनील चोपड़ा, परमेंद्र परमीश, मीनाक्षी यादव, सीताराम रुडीनी, पृथ्वीराज ने। ठीक है, कुंवर पृथ्वीराज जो थे उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर अजय मेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था, और यह दुर्ग जो है अजमेर में स्थित है, गट बेटली की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, बेटली की पहाड़ियों में स्थित है, तो गट बेटली भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो थोड़ा से दो चार क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड, वो याद रखना है। एक जो क्वेश्चन आता है, एक आता है वो रूठी रानी का जो क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, रूठी रानी जो रही थी वो इसी दुर्ग में रही थी हमेशा आजीवन, जो शादी होते ही रूठ के यहाँ पे आकर रहने लग गई थी। ठीक है, तो वो इसी दुर्ग से संबंधित है, क्वेश्चन कभी आए तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना इस पे। 44 नंबर क्वेश्चन, ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? श्यामदेव, विग्रहराज, ऋषभदेव या फिर जयानक? 44 का सही उत्तर बता दीजिए, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा सबसे पहले? ललित विग्रहराज, वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, वो क्वेश्चन ये बनता है कि सोमदेव जो थे, ये कवि जो थे, वो किसके दरबार में थे? ठीक है, तो उसमें विग्रहराज के दरबार में थे, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, दोनों चीज इंपोर्टेंट है, ललित विग्रहराज लिखा था सोमदेव ने, और किसके दरबार में थे? ये विग्रहराज के दरबार में थे, तो यहाँ राइट आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी बनता है वो याद रखिए, और विग्रहराज थे जो बिस्सल देव के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, बिस्सल देव के नाम से, ये भी क्वेश्चन बनता है, विग्रहराज को किस नाम से जाना जाता था? बिस्सल देव के नाम से। सोमदेव किसके दरबार में थे? विग्रहराज के दरबार में। ललित विग्रहराज किसने लिखा था? सोमदेव ने। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, राय पिथौरा के नाम से कौन जाना जाता था? राय पिथौरा के नाम से कानड़ देव चौहान, कीर्तिपाल, पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज? वेरी गुड, राइट आंसर पृथ्वीराज तृतीय जाना जाता था राय पिथौरा के नाम से, जिन्होंने 1191 में और 1192 में तराइन के दो युद्ध किए थे मोहम्मद गोरी के साथ।
पहले में पृथ्वीराज जीत गए थे और दूसरे में उनकी हार हुई थी, मोहम्मद ग्योरी जीता था। तराइन का जो 1191 का और 1192 के दो युद्ध हुए थे वो उन्होंने किए थे, पृथ्वीराज तृतीय ने, इन्हें राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है और अंतिम ये शासक थे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था, यानी पृथ्वीराज का मैंने क्वेश्चन देखा था राय पिथोरो के नाम से जाना जाता है, उनकी माता का नाम बताना है 46 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कर्पूर देवी इनकी माता का नाम था, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, वीरम देव जो है वो किसका पुत्र था, इतिहास का क्वेश्चन है। कानर देव चौहान, कीर्तिपाल, समर सिंह या फिर गोविंद राज के, तो वीरम देव किसका पुत्र था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सबके आ रहे हैं, कानर देव चौहान का होगा। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो 1309 में और 1311 में जो युद्ध हुआ था उसमें ये पिता और पुत्र दोनों शहीद हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, तो कानर देव चौहान के पुत्र थे वीरम देव, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सिरोही नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सरदार सिंह, सासमल, सोमनाथ या फिर समेश्वर, तो सिरोही नगर की स्थापना किसने की थी, 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सासमल के द्वारा की गई थी, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 49, हाड़ौती के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, हाड़ौती में जो चौहान वंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, देव सिंह के द्वारा, वीर सिंह के द्वारा, सासमल के द्वारा या फिर चूड़ामन के द्वारा, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कांता चौधरी ने सही बताया, देवी सिंह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, झालावाड़ स्वतंत्र रियासत कब बनी, झालावाड़ रियासत है वो स्वतंत्र कब बनी थी, 1835 में, 1836 में, 1837 में, 1838 में। ठीक है, हिंट के लिए बता देता हूं कि जब झालावाड़ स्वतंत्र रियासत बनी थी उसमें कोटा के शासक जो थे वो राम सिंह थे, कौन थे, राम सिंह थे। कौन बताएगा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बता दीजिए लास्ट हिंट दे दिया, राम सिंह उस समय शासक थे जिसमें झालावाड़ स्वतंत्र रियासत बनी थी, कोटा के राजा थे राम सिंह। रोहित पूनिया का सही आया है, रमेश गिरी का सही है, दीपक कुमार का सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी में। ओके गाइस, चलिए ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। अब सुनिए इंपोर्टेंट चीज ये है कि ये तो 50 क्वेश्चन हमारे 20 या 30 मिनट लग जाते हैं, तो दोबारा ये लेसन देख के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इसके ले लेना आप लोग पीडीएफ।